जब दुनिया अपनों के साथ जश्न मनाती है उस समय भी पुलिस अपना फर्ज निभाती है। दोस्तों, जब कभी कोई खास दिन त्योहार होता है, जब भी कोई सेलिब्रेशंस होती हैं, हम अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खुशियां एंजॉय करते हैं। लेकिन दिल्ली की, दिल वालों की पुलिस अपने खुशियों को अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके वो हमारी खुशियों को इतना डबल करती है ताकि हम हर मोमेंट को एंजॉय कर सकें सेफली। बिल्कुल ठीक। आप मुझे क्रैक कर देते हैं ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। आपको ना मैंने बिठाया इसीलिए कि आप जो क्रैक करते हैं ना, साथ साथ क्रैक कर दिया करो, ठीक है ना। एक रवानी मूवी आई थी सिंगम, आता माजी सटकी। काफी हिट मूवी हुई थी सिंगम, और रवानी ने आपको बता भी दिया इसका फेमस डायलॉग। लेकिन आप लेडी सिंगम के बारे में जानते हैं? बहुत सारे लोग दिल्ली, एनसीआर, नॉर्थ इंडिया में तो जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे लेडी सिंगम। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्टार लेडी सिंगम किरण सेठी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में है। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हिंद। जय हिंद। आज बहुत ही एक खुशी का पल ये महसूस हो रहा है। बहुत अरसे से हमारी तमन्ना थी कि आपके साथ इस तरह का एक प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि आम आदमियों में जो पब्लिक है अभी भी ना एक गैप है दिल्ली पुलिस के बीच में, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते। मेरा दूसरे कई कंट्रीज में भी जाना होता है, वहां जैसे छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल गोइंग टीनेजर्स, बड़े लोग तो चले ही जाते हैं, बड़े जाके कॉन्फिडेंस से जाके बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कई बार कोई परेशानी भी होती है। कभी कोई छोटा मोटा केस हो गया, कोई पर्स ले गया, कोई चेन ले गया, कभी मोबाइल फोन ले गया, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि नहीं रहने दो यार, पुलिस में क्या जाना, अननेसेसरी परेशानी होगी। तो ये जो गैप है, बहुत सालों से किरण बेदी जी ने काफी कोशिश की थी कि पब्लिक पुलिस के जो रिलेशनशिप है उसकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए, काफी हद तक उसमें कामयाब मिली। जो नए ऑफिसर्स आए उनके बिहेवियर में काफी चेंज आया, और उन्होंने काफी सारी मीटिंग्स रेगुलर करके और बहुत अच्छे से मतलब कि ये रिलेशनशिप को डेवलप करना शुरू। लेकिन आज भी कॉन्फिडेंस ठीक से क्यों नहीं बन पा रहा? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो भारत देश की जनता है जी, वो अभी भी ये सोचती है कि पुलिस के पास जाकर हमें इतनी जल्दी इंसाफ नहीं मिलेगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। आज आप देखिए कि कोई परेशानी होती है, कुछ होती है, तो जब टेलीफोन नहीं होता था तभी पुलिस होती थी। बिल्कुल। और जब मोबाइल आए तब भी क्या नाम है पुलिस होती थी। तो जो धीरे 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 जब आपने ये सब चीज़ें जाननी शुरू कर दी, तो आज आप एक कॉल करें पुलिस को तो थाने से पहले पीसीआर की पुलिस खड़ी होती है आपके पास। तो ये कहना आपको थोड़ा सा, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि वो चाहिए चाहते हैं कि हमारे हिसाब से काम चले। जैसे आप चाहते बस मैंने एकदम कह दिया और आज के आज ही न्याय हो जाए, तो न्याय पुलिस नहीं दिलाती, न्याय जो है कानून दिलाता है। और वो ही कहते जी पुलिस के पास जाके टाइम खराब होगा, ऐसा नहीं है। आप एक बार अपनी शिकायत दें तो शिकायत देने के बाद फिर आप देखिए कि अपराध जरूर खत्म होता है, और आपकी शिकायत के बाद ही अपराध खत्म होगा। अगर आप उसको छुपाएंगे तो जो अपराधी है वो अपराध को और मतलब करेगा, और अपराध को आप बढ़ावा देते हैं ना कह के। तो एक बार विश्वास करके आए, और ऐसा नहीं कि आपको पुलिस स्टेशन जाना है। आजकल दिल्ली में क्या, पूरी जगह भारत में कई कई जगह हर स्टेट छोटे छोटे बूथ बनाती है जहाँ पे
सीनियर सिटीजन बच्चों को और महिलाओं की बात सुनी जाती है। और इवन देन स्कूलों में भी ज़्यादातर क्या है, एक बॉक्स बनाया गया जिसे निर्भीक बॉक्स कहते हैं, और कोई भी बच्चा अगर उसको लगता है कि मुझे कोई परेशानी है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड है, चाहे स्कूल के बाहर से रिलेटेड है, या इवन देन फैमिली में भी है, अगर वो अपनी एक चिट्ठी लिखकर उसमें डाल देगा तो हर डेली क्या नाम है एरिया के SHO हैं जो विजिट करते हैं बीट वाले और उसको ओपन करते हैं और SHO खुद कार्रवाई करते हैं। और अगर कोई महिला है और उसको अपनी कोई परेशानी बतानी है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्राइम से रिलेटेड, कई बार क्या होता है कि घर में घरेलू परेशानी भी होती है तो वो बताएंगे, तो उसके लिए भी लेडीज पुलिस ऑफिसर है और सिविल ड्रेस में भी बात करती हैं आपसे और आपके घर भी आकर आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं और आपकी मदद करते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन किया उसमें सबसे बड़ी बात है कि बाहर के देशों में आप तुलना करते हो कि वहाँ पे ज़्यादा पुलिस जल्दी कार्रवाई करती है, अगर आपको कानून की नॉलेज होगी तो आप भी सीधे स्पष्ट भाषा में अपनी बात को कह सकते हैं। आप अपनी शिकायत को लोगों को बताते हैं, लोगों के जरिए आप पुलिस स्टेशन आते हो, नहीं, आप 112 नंबर पे कॉल कीजिए, पुलिस आपके घर खुद आएगी। और आजकल डिजिटल का जमाना है और मेल कीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि हर ऑफिसर्स की एक अपनी मेल है और आप सीधा ही वो अपनी मेल को अपने फोन पे भी खोलते हैं और इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि नंबर जो है वो 112 है, लेकिन हमें तो बचपन से एक ही नंबर रटवाया गया है जो नंबर 100 है, यस 100। तो किसी और को कोई नंबर याद हो ना हो, फायर ब्रिगेड का है या एम्बुलेंस का है, उसका है, क्या कहते हैं, एम्बुलेंस का है, लेकिन पुलिस का जो एक नंबर था 100 वो हमें हमेशा से रटवाया गया, तो क्या सच में इस पे कॉल करने से पुलिस आती है? बिल्कुल आती है, आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं और देखिए कि आपकी कॉल करते ही विद इन सेकेंड में जो मिनट दें जो नियर बाई PCR होगी वो आपके बिल्कुल पास आएगी। और आज तक कॉल किया नहीं, तो आज आप ट्राई भी कर सकते हैं और वैसे आपको ट्राई करने की जरूरत क्या है, पुलिस तो आपके सामने ही बैठी है, तो आपके सामने ही बैठी है, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर अभी भी 100 है, बट अब नया नंबर ऑल ओवर इंडिया में एक ही हो गया है 112, और 112 नंबर ये कोरोना के बाद नया रखा गया। वो उसका कारण एक तो यही था कि कई बार कई हादसे हो जाते हैं, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जहाँ पे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की जरूरत रहती है, तो आपको 3 कॉल करनी पड़ती थी, तो अब इन 3 नंबर को क्लब कर दिया है। समझ लीजिए रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको एम्बुलेंस की भी जरूरत है, तो नेचुरल जहाँ एक्सीडेंट होगा वहाँ पे नेचुरल कैसे हुआ है, पुलिस की मदद भी चाहिए, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, मगर कोई भी उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता। उनको ये लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल ले गया तो मुझे गवाह बनना पड़ेगा, मुझे कोर्ट में जाके गवाही देनी पड़ेगी, और भगवान ना करे कि इसको ले जाते टाइम रास्ते में इसको कोई कुछ हो गया तो कहीं मेरे ऊपर ना ब्लेम आ जाए। तो आप पुलिस में जब आप कॉल करें तो जब आप ये बताएंगे कि इस रोड पे ये जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप पुलिस को बताएंगे, पुलिस वो क्लब करके एम्बुलेंस को भी वहाँ भेजेगी। और कई जगह जैसे आग लग जाती है, तो आग लगने के कारण वहाँ पे काफ़ी लोगों को इंजरी भी हो सकती है, लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कोई फंस सकता है, तो इसलिए फायर ब्रिगेड को भी जब आप आग की कभी भी कोई कॉल होती है तो ये 3 एजेंसियाँ इस पर काम करती हैं। तो मैं रबानी आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने प्रोग्राम के जरिए सब बच्चों को बताएं कि बिल्कुल नहीं घबराएं, और रिश्तेदार और माता पिता से पहले कोई मदद लेने से पहले अगर 112 नंबर पे आप कॉल करेंगे तो डेफिनेटली पुलिस आपकी मदद करेगी। कई बार आपने देखा होगा माता पिता जो है दोनों सर्विस में हैं या कहीं अचानक बाहर चले गए, बच्चे घर पे अकेले हैं, तो मैं सभी माता पिता को ये बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ अपने नज़दीकी जो पड़ोस में रहते हैं उनका मोबाइल नंबर भी, और इवन देन आपके हर बच्चे को अपने एरिया के पुलिस स्टेशन का नंबर मालूम होना चाहिए, वहाँ के SHO साहिबान का नंबर मालूम होना चाहिए, और नहीं तो 112 नंबर याद होना चाहिए। आपको कितने तरह के हेल्पलाइन नंबर हैं, आप कितने हेल्पलाइन में कॉल करते हैं, बट उससे ज़्यादा जरूरी है अगर आपके पास पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है तो आई थिंक
आपकी मदद के लिए हमेशा वो दिन और रात, और चाहे किसी भी तरह का कोई त्यौहार ही क्यों ना हो, जैसे आपने बताया कि पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है, तो बिल्कुल आपके लिए वो दिन रात बिना छुट्टी किए एकदम प्रेजेंट है। और आप आंख बंद करके एक इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे समाज में पुलिस नहीं हो तो कितनी अराजकता हो जाए। तो पुलिस की बहुत ज़रूरत है, और पुलिस के बिना समाज, मैं ये सोचती हूँ कि बहुत ही अधूरा है। इज वेरी इनकम्प्लीट, अगर क्योंकि एवरीथिंग हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट, और पुलिस नहीं होगी तो कोड ऑफ कंडक्ट होएगा ही नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा। किरण जी, मैं एक बात जो आपने कही, तो इसको मैं ना इस तरह से देखता हूँ कि कभी किसी चौराहे के ऊपर सिर्फ एक कांस्टेबल खड़ा होता है बीच में, तो चारों तरफ का ट्रैफिक, सैकड़ों हजारों गाड़ियां बड़े आराम से आ रही हैं, जा रही हैं, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन बाई चांस किसी दिन किसी कारण अगर वो कांस्टेबल जो ट्रैफिक है वो ड्यूटी पे नहीं होते, तो वहां पे घंटों का जाम लग जाता है, चारों तरफ की गाड़ियां आपस में उलझ जाती हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो चाहे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी जो एक प्रेजेंस है उसी से बहुत बड़ा मतलब कि एक सोसाइटी में। और आप देखिए कि आजकल समाज में कितना पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन के अंदर रहकर पूरा दिन, आप देखिए एक ट्रैफिक वाले की ड्यूटी कम से कम 12 घंटे की होती है, 12 घंटे सड़क पे खड़े होकर वो अपने हाथ से जब ट्रैफिक चलाता है, और कई कई ऐसी जगहें हैं जहाँ बहुत ही भीड़ के इलाके हैं, वो किस तरह से गाड़ियों में जाम नहीं होने देते और लगाते हैं। और कानून समाज में रहने वाले लोगों को भी चाहिए कि वो अपने सही रास्ते से जाए, अगर वन वे है, अगर आप उल्टी गाड़ी लेकर जाएंगे तो और गाड़ियों को भी दिक्कत होती है, इसी वजह से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं कि ट्रैफिक वाले क्या कर रहे हैं। वो ये देखें कि ट्रैफिक वाले तो ट्रैफिक चलवा रहे हैं, आपको भी कानून का पालन करना जरूरी है। जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी आतामाजी सटक ली वाली जो तो इससे मेरे दिमाग में ना एक ऐसे डाउट है, क्वेश्चन है कि जो हमें फिल्मों में बड़े पर्दे पे, बिग स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन पे जो पुलिस दिखाई जाती है और जो रियल लाइफ की ग्राउंड लेवल की पुलिस है, उसमें कितना फर्क है? बहुत फर्क है वो, क्योंकि पिक्चर होती है 3 घंटे की, या आप एक इमेजिन कीजिए कि 2 घंटे 3 घंटे की जो पिक्चर है वो एक मसाला करके बनाई जाती है, बट कई बार वो रियल स्टोरीज पे भी बनाते हैं ताकि लोगों को अपनी कहानी के जरिए मोटिवेट करें। उसमें फर्क यह है कि आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए डांस कर लिया, पुलिस वाले ने गाने गा लिए और हीरोइन के पीछे चले गए, वैसा पुलिस फोर्स में नहीं होता। कि ये नहीं है कि उसको एक कॉल आई है और इतने में गर्लफ्रेंड का फोन आया तो वो गर्लफ्रेंड के पीछे चला गया और झूम कर उठ के आ गया, उसने एक मुक्का मारा तो बस उड़ गई, ऐसा नहीं है। पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का तरीका है वो बहुत ही सीरियस होता है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। और नेचुरल है कि अगर आपको बिल्कुल सीरियस मूवी दिखाने लग जाएंगे तो आप आधे घंटे के बाद या तो हॉल खाली हो जाएगा या आप अपना टीवी का दूसरा चैनल लगा देंगे। मगर फिल्मों के जरिए जो पुलिस काम दिखाती हैं, एक जोश दिखाती हैं, वो जोश हमें भी देखकर आता है कि हाँ हमें ऐसा पुलिस ऑफिसर बनना है जिससे समाज में खुशियाँ हों, समाज समझे कि पुलिस की अहमियत क्या है। तो उनकी जो अच्छी बातें होती हैं हम अडॉप्ट करते हैं, और जो बातें और एंटरटेनमेंट की उनको नहीं करते। बट हमें भी खुशी होती है कि जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे मेरे पहले फेवरेट धर्मेंद्र थे, तो जब मैं उनकी पिक्चर जुगनू देखती थी तो या चरस देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कैसे मुलजिमों को पकड़ना है। आज मैं अजय देवगन जी को देखती हूँ तो उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है रोल, कि वो कितना सीरियस होके इस चीज़ को रोल को करते हैं। तो उनकी जो बोल्डनेस है हम वो चाहते हैं कि हमारे अंदर आए और हम भी समाज के लिए काम करें। और वैसे भी क्योंकि अगर हम फिल्मी स्टाइल में करने लग जाएंगे तो ऐसे ड्रामा बन के रहेंगे तो हो गया न्याय। तो 3 घंटे में उन्होंने सब कुछ दिखाना होता है, क्राइम भी,
क्राइम को निपटना भी और न्याय भी दिलाना है, तो रियल लाइफ में बहुत फर्क है। और कोई भी केस होता है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, लॉ के हिसाब से चार्जशीट फाइल होती है, और चार्जशीट फाइल होने के बाद कानून के जो भी एविडेंस होती हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, उनको प्रॉपरली फेस करना पड़ता है। किरण जी, बचपन में आपके हाथ चोट लगी थी, शायद जल गया था आपका। जी बिल्कुल। उसके बाद 19 साल की उम्र में आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। जी। इतने बड़े हादसे के बाद, और पुलिस के अलावा बहुत सारी ऑप्शन लड़कों के लिए भी होती है, लड़कियों के लिए तो नॉर्मली पेरेंट्स रिकमेंड करते हैं कि और बैंक में, रेलवे में या दूसरी एयरलाइन में कहीं भी जॉब। जी बिल्कुल। आपने क्या सोचा, किस चीज ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन? जी, आपने मुझे अपनी बचपन की यादों की तरफ ले गए। शरारती थी मैं बहुत ज़्यादा, अभी भी हूँ मैं, कभी कभी शरारत करने का या बचपने का मन करता तो मैं करती हूँ। और मम्मी ने मुझे कहा कि स्टोव बंद कर दो, उसमें पहले हमारे टाइम में, मेरी 67 का बर्थ है, तो हमारे टाइम में स्टोव हुआ करते थे, तो पंप मार के उसको चालू करते थे, तो एक गर्म पानी का पतीला रखा हुआ था और डिब्बा टाइप में, और मम्मी ने कहा इसको बंद कर दे, तो मुझे लगा नहीं, इसको थोड़ा सा और तेज करते और उबलने देती हूँ, तो मैं पंप मारने लग गई और वो बैलेंस नहीं बना, तो सर्दी के दिन थे, लाइलोन का स्वेटर पहना था तो गर्म पानी यहाँ गिर गया, और तब ऐसे एक्सपर्ट आजकल के डॉक्टर्स भी नहीं थे, तो वो एक था कंपाउंडर, तो उसने ऐसे खींचा और वो स्वेटर के साथ ऐसे कर दिया, तो मेरा हाथ इसके साथ थोड़ा सा चिपक गया, तो फिर वापस सीधा होने में इसको टाइम लगा। और मुझे याद है कि मैं, मेरे पापा मुझे सुबह सुबह सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर जाते थे, बर्न डिपार्टमेंट में, डेली इसके ऊपर एक पट्टी होती थी, और मेरे स्कूल में मुझे एक घंटा लेट आने की परमिशन थी, तो फिर मैं उसके बाद स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी, तो धीरे धीरे मेरा हाथ ठीक होने लगा। और जब ठीक हो गया तो हमारे यहाँ पे 11th में मेरे जो टीचर शिव कुमार कोहली सर थे, वो जूडो सिखाने आए, तो स्कूल में शरारती थी, मुझे स्कूल में भीम के नाम से बुलाते थे कि कोई काम हो तो, मतलब एक जोश था कि कुछ करना है, तो वो भीम को, कोई सख्त काम है, कुछ भारी भरकम काम है, तो कह देते थे भीम को बुला लो, तो मैं वो कर लेती थी। और मेरी जो क्लास की लड़कियाँ थी, क्योंकि मैं सलवान स्कूल से पढ़ी हूँ, राजेंद्र नगर से, तो सबने अपने अपने एक अपना नाम डाल रखा था, तो हमें कई बार 5 लड़कियां थी पांडव करके बुलाते थे। अगर आज मेरा वो प्रोग्राम देखेंगी तो मेरी सभी फ्रेंड्स बहुत खुश होंगी। एक युधिष्ठर थी उसका, और वो हमें कहानियां सुनाती थी, मतलब इसलिए हमने उसका नाम युधिष्ठर डाल दिया। और एक अर्जुन थी, तो ऐसे जो 5 फ्रेंड थे हमारे नाम थे, तरुणा, सोनू, कविता, तो इस डॉली, तो हम पांचों मतलब खूब मस्ती किया करते थे। फिर उसके बाद जब जूडो शुरू हुई तो मम्मी पापा ने कहा नहीं, वैसे ही तू हाथ तोड़ा के बैठ रही है, ब्याह कौन करेगा तेरे नाल। फिर मैं कहती थी नहीं, मुझे तो सीखनी है, तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं अलाउड करती। तो मैंने कहा मुझे अब सीखना, तो क्या करना, तो मैंने कह दिया कि एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। अच्छा। और मैंने जाके, क्योंकि आफ्टर स्कूल होती थी, तो 1 घंटा, और मैंने जूडो शुरू कर दी। अब मुझे ये लगता था कि मैं तो, मुझे सब, क्योंकि पंजाबी में एक वर्ड है टुंडी हैगी है, मतलब जिसका एक हाथ ही नहीं काम करता, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं अपने आप को कैसे बताऊं लोगों को कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूं। तो मैंने जूडो शुरू कर दी। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मैं पहला टूर्नामेंट आर्मी पब्लिक स्कूल में अपने सलवान स्कूल की तरफ से दिल्ली स्टेट खेलने गई, तो मेरा गोल्ड मेडल आया। और मेरा अगले दिन जब सारे अखबारों में नाम और फोटो आई, तो मेरे पड़ोसियों ने जाके बताया मेरी मम्मी पापा को कि तेरी ती दी फोटो आई है, तो फिर वो बहुत खुश हुए। तो मेरी मम्मी ने कहा एक तो सीख ली, मैं को एक घंटे दी एक्स्ट्रा क्लास है किसी वो आई है किसी। तो हाथ जल गया था। और फिर उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस में मैंने अपना फॉर्म भरा। जैसे तो मैं आपको सही मायने में बताऊँ, मैंने ललकार पिक्चर देखी थी, धर्मेंद्र जी और राजेंद्र कुमार जी की, और उसमें माला सिन्हा आर्मी में नर्स होती थी, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं फौज में जाऊं। तो फिर सब कहते थे कि फौज में तो सिर्फ
लड़के भर्ती होते हैं, तो जब मैंने माला सिन्हा जी को देखा कि वो नर्स है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं नर्स बन जाऊंगी, तो मैं फौजियों की पट्टी वट्टी कर दिया करूंगी जब कभी उन्हें चोट लगेगी। तो ये क्वेश्चन तो मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते थे, तो मैंने उनको कहा नर्स बनना चाहती थी, बट कह रहे थे पुलिस का फॉर्म क्यों भर दिया, तो मैंने कहा कि पुलिस का फॉर्म मैंने इसलिए भरा कि जब मैं जूडो सीखने स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, तो शाम को हमारे टीचर जो थे वो क्लब चलाते थे, तो क्लब में दिल्ली पुलिस के कई जवान उनके पास ट्रेनिंग लेने आते थे, तो मैंने सर को कहा कि हमें पुलिस में भर्ती होना है, तो सर ने कहा फॉर्म भरो और भर्ती हो जाओ, तो ऐसे कोई मत सोचना कि तुम्हारे लिए कोई अप्रोच करेगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं अपने बैच में जब भर्ती हुई तो अच्छे नंबरों से भर्ती हुई, और अपने बैच में मैं ऑलराउंडर रही और आउटडोर में मैं फर्स्ट आई, और मेरा वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग सेंटर में नाम लिखा गया बोर्ड पे। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट थी कि मुझे जो मैंने सपना देखा या जो मैं जिस फोर्स में आई हूँ, मैं वहाँ पर ईमानदारी और पूरी मेहनत और जोश के साथ काम करूँ, क्योंकि जब पहली बार कसम खाई थी परेड ग्राउंड में कि हम मर मिटेंगे और अपनी जान भी दे देंगे, परवाह नहीं करेंगे, अपने ऑफिसर्स का कहना मानेंगे, मैं उसको आज भी अमल करती हूँ। सैल्यूट है आपकी बहादुरी पे और आपके जोश पे, आपके जुनून पे। शुक्रिया।